एचडीएफसी होम लोन के बैंक कर्मी राकेश परमार पर लड़कियों के संग छेड़छाड़ करने के आरोप में पुलिस ने उसका केस पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ग्रैंड टावर स्थित एचडीएफसी बैंक के होम लोन ऑफिस में आज उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब वॉशरूम गई कर्मचारी ने सफाई कर्मचारी को ताका झांकी करते देख लिया और लड़की ने चिल्ला चोट मचा दी, जिसके बाद अन्य कर्मचारियों और लड़कियों के परिजन मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने आरोपी की पिटाई कर दी। साथ ही आरोपी को अर्धनग्न करके थाना माधव नगर लेकर आए, जहां पुलिस ने लड़कियों की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ का प्रकरण पंजीबद्ध किया है। आपको बता दें कि आरोपी भैरवगढ़ निवासी है, जो 6 महीने पहले ही बैंक में सफाई कर्मचारी के तौर पर लगा था। जांच अधिकारी उप निरीक्षक मनीष लोधा ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि एचडीएफसी बैंक की वॉशरूम में ताका झांकी करते हुए एक छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जिसमें लड़कियों की शिकायत पर मामले को विवेचना में लिया गया है। अगर आरोपी जुलूस निकालने की शिकायत करता है तो फरियादियों पर भी कार्यवाही की जाएगी। ये एचडीएफसी बैंक में एक वॉशरूम है, तो उसमें ताका झांकी का मामला आया है। उसमें महिला कंप्लेनर है जिसके द्वारा शिकायत की गई है, तो उसमें FIR पंजीबद्ध करके आरोपी को वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, और यदि वो फरियादी जो आरोपी है वो इस संबंध में कोई शिकायत करेगा तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी।